वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है एक्स रेज एक्स रेज एक्स रेज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जैसे विजिबल लाइट है जैसे इंफ्रा रेड रेज हैं जैसे गामा रेज हैं जैसे अल्ट्रा वायलेट है, है वैसे ही एक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है एक्स रेज ठीक है एक्स रेज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी वेव लेंथ रेंज करती है फ्रॉम जीरो पॉइंट वन एंगस्ट्रॉ टू हंड्रेड एंगस्ट्रॉ इस रेंज में इनकी वेव लेंथ आती है और जो इनकी फ्रीक्वेंसी है दैट कम्स इन द रेंज ऑफ थ्री इंटू टेन एच फॉर सिक्सटीन हर्ट्स अप्री टू टेन एच फॉर नाइनटीन हर्ट्स दिस इज रेंज ऑफ दियर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज रेंज ऑफ दियर ठीक है अब एनर्जी कहो या फ्रीक्वेंसी कहो या वेव लेंथ कहो इनके बेस एक्स रेज के टू टाइप्स होते हैं वन कॉल्ड कॉल्ड हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सिंपली आपको क्या करना है आपको ये समझना है कि हार्ड रेज वो रेज है जिनकी एनर्जी ज्यादा है एनर्जी ज्यादा है तो वेव कम होगी ठीक है तो दियर लैमडा इज लेस देन वन एंड स्ट्रोंग ठीक है जरूरी बात है कि एनर्जी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ये पावरफुल होंगी सॉफ्ट एक्स रेज जिनकी वेव लेंथ <कुझे> ग्रेटर देन हो होगी टेन एंड स्ट्रोंग फॉर विच लेमडा इज ग्रेटर देन टेन एंड स्ट्रॉन्ग यानी कि लेमडा ज़्यादा की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी एनर्जी कम होगी यानी कि सॉफ्ट एक्स रेज इनकी एनर्जी रिलेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू हार्ड एक्सरेज ठीक है तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरेज अब सवाल ये है कि हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं इनकी एक्सरेज की एक्सरेज की प्रोडक्शन कैसे होती है इनको हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्स एक्सरेज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करवाएंगे किसके साथ मेटल सरफेस के साथ कोई मेटल है कोई हार्ड मेटल है उसकी सरफेस पे हम इंसिडेंट कर रहे हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो वहाँ से निकलते हैं फिर एक्स रेज ठीक है और ये प्रोसेस होती है इन ए डिस्चार्ज ट्यूब कॉल्ड एज कूलिज ट्यूब ये प्रोसेस हम करते हैं किसमें एक इवैक्यूएटेड ये ट्यूब होता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज ट्यूब या कूलिज टूब यह एक सिंपल डायग्राम है हमारे पास एक्सरे डिस्चार्ज ट्यूब की या कोलिश ट्यूब की इसमें क्या होता है ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है ठीक है तो यहाँ पे एक फेलमेंट है मेटल का बना होगा इसको हम हीट कर रहे हैं विद हर्प ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस बैटरी और इससे जो है इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ठीक है इट इज़ कैथोड और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी हम उनको एक्सेलरेट कर रहे हैं बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस है ये बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी बहुत हाई एनर्जी से एक्सेलरेट करेंगे इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इनको हम इंसिडेंट कर रहे हैं इस मेटल पे ये एक हार्ड मेटल है प्लेट है एनोड इस पर हम इनको इंसिडेंट कर रहे हैं तो जब इस पर इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ से निकल रहे हैं क्या एक्सरेज ठीक है तो दिस इज़ ए सिंपल प्रोडक्शन मैकेनिज्म फॉर एक्स रेज अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन के हिसाब से एक्स रेज की दो टाइप्स हैं फर्स्ट वन इज़ कॉन्टीन्यूअस एक्स रेज कॉन्टिन्यूस एक्स रेज कॉन्टीन्यूअस एक्स रेज क्या होती है एज द वर्ड कॉन्टिन्यूअस सजेस्ट कि यहाँ पे जो वेव लेंथ का रेंज होगा या फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा एनर्जी का रेंज होगा तो एक कंटिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जीज़ ऐसी एक्स रेज निकलेंगी यहाँ पे यानी कि ये ज़रूरी नहीं, नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एनर्जी की एक्स रे निकलें ये ज़रूरी नहीं है कंटिन्यूस में एक वाइड रेंज ऑफ एक्स रेज निकलता है कंटिन्यूसली यानी कि बीच में कोई वेव लेंथ में कोई वैल्यू मिसिंग नहीं हो सकता है ठीक है क्या होता है कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं इस मेटल सरफेस पे पड़ रहे हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी बाय न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उस चेंजिंग वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होगा उसके अंदर एक्सेलेशन होगी एक्सेलेशन होगी तो वो रेडिएट करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करेगा एंड दैट रेडिएशन दैट एनर्जी फॉल्स इन द रेंज ऑफ एक्स रेज ठीक है तो इसको हम डायट ग्रामेटिकली भी देख सकते हैं ये देख लीजिए आप ये हमने एक मेटल एटम लिया ये जो एनोड का ये जो एनोड है जिसपे हम स्ट्राइक कर रहे हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को उनमें से यहाँ एक ये मेटल एटम है ठीक है यहाँ से आ रहा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ठीक है फास्ट मूविंग फास्ट मूविंग इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है ये ठीक है तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ये देखिए जब ये दूर है इस न्यूक्लियस से तो इन इनपे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा फिर ये नज़दीक आ रहे हैं नज़दीक आ रहे हैं नज़दीक आ रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है ठीक है फिर ये दूर जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से कम हो रहा है तो जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन निकला कैथोड से उस पर चेंजिंग फोर्स लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी यानी कि उसके अंदर एक्सेलेशन आ जाएगी और एक्सेलेशन आने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा एज कंटिन्यूस एक्स रेज ठीक है तो एक्सेलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सरे तो जो टारगेट मेटल आइटम्स हैं उनकी उनके न्यूक्लियस की वजह से इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम की एक्सेलेशन हो जाएगी और उसकी वजह से वो रेडिएट करेंगे आपको पता होना चाहिए कि जब चार्ज अंडर एक्सेलेशन होती है तो इट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ठीक है तो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड फॉल्स इन एक्स रेज विद कंटिन्यूस एनर्जी रेंज तो दिस एक्स रेज आर कॉल्ड एज कंटिन्यूस एक्स रेज नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एक्स रेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इज दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज उसको हम देखेंगे वो कैसे होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज तो जैसे नाम सजेस्ट करता है कैरेक्टरिस्टिक मीन्स ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज पॉसिबल तो ये हमारे पास डायग्राम है ये न्यूक्लियस है टारगेट मेटल ये जो प्लेट है उसका उसके एटम का एक न्यूक्लियस है ठीक है इसके अराउंड एलेक्ट्रॉन्स हैं पहले ऑर्बिट में दूसरे ऑर्बिट में तीसरे ऑर्बिट में और यहाँ से आ रहा है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो कहाँ से निकला होगा कैथोड से फास्ट मूविंग अगर ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सीधे आ गया किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा गया ये देख लीजिए इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन सीधे टकरा रहा है इस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के साथ इस वाली ठीक है तो इसको ये नॉक कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है नॉक दिस वन इज द नॉकेड इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको नॉक किया अपने ऑर्बिट से नॉक किया निकाला बाहर ठीक है और ये इंसिडेंट आगे चला गया अब जब इसने यहाँ पे इसको बाहर निकाला तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई ठीक है से सपोज़ ये कौन सा ऑर्बिट है हमारे पास सेकेंड तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होगी अब इस वैकेंसी को कौन फिल करेगा इससे जो ज़्यादा ऑर्बिटल ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि ये थर्ड शल है या फोर्थ शल है या फिफ्थ शल है उससे इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है और इस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर सकता है तो आपको पता होना चाहिए जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल एनर्जी इज रेडिएटेड अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल तो जब कोई जंपिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल इस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को फिल करना चाहता है तो वो रेडिएट करेगा एनर्जी विच फॉल्स इन द एक्स रे रीजन तो जब ये जंप होगा तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी वेव लेंथ का फोटो निकल सकता है कोई भी फ्रीक्वेंसी का फोटो निकल सकता है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी गैप यानी कि जिस लेवल से इलेक्ट्रॉन निकला और जिस लेवल से जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन इनिशियल एंड फाइनल लेवल ठीक है उनके एनर्जी गैप पर डिपेंड करेगा तो अगर गैप पर डिपेंड करेगा तो ओनली पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ही निकल सकती है कोई कंटिन्यूस uh, यहाँ पे वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है इसीलिए इस एक्सरेज एक का नाम क्या होता है कंटीन्यूस एक्सरेज ठीक है अब सवाल है अगर पहले ऑर्बिट में अगर पहले ऑर्बिट में वैकेंसी होगी यानी कि वैकेंसी जो है फर्स्ट ऑर्बिट में होगी फर्स्ट ऑर्बिट में होगी ठीक है तो जो एक्स रेज जो उस वैकेंसी को फिल करने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ कहाँ से आ सकता है सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट से तो जब ट्रांजिशन होगा सेकेंड से थर्ड से फोर्थ से टू फर्स्ट लेवल तो वहाँ पे के सीरीज़ निकलती है एक्स रेज की के सीरीज़ अगर टू टू वन होगा तो के अल्फ़ा लाइन निकलेगी थ्री टू वन होगा के बीटा लाइन निकलेगी ऐसे ही फोर टू वन होगा के गामा लाइन ठीक है ऐसे ही इसी तरह से अगर और ये वैकेंसी हो गई सेकेंड ऑर्बिट में सेकेंड ऑर्बिट में क्रिएट होगी वैकेंसी तो उसको फिल कौन करेगा थ्री टू टू या फोर टू टू या फाइव टू टू ऐसे निकलेगा एल अल्फा एल बीटा एल गामा ठीक है तो दे आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द एक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ठीक है तो जो इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सलरेट किया उसकी चार्ज है ई और पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया था वी ठीक है और यहाँ से सपोज यहाँ से ये यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकला अब यहाँ पे वैकेंसी हो गई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इधर की तरफ ठीक है तो फोटोन इमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी न्यू तो उसकी एनर्जी कितनी होगी एच न्यू तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो ई वी होगा इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी वो फोटोन की एनर्जी के बराबर होगा बाई एनर्जी कंजर्वेशन तो उस सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं ई बी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा इन प्लेस ऑफ न्यू यहाँ से हम लेमडा मिनिमम का वैल्यू निकाल सकते हैं लेमडा मिनिमम इसके बराबर होगा एच सी अपॉन ई वी इसमें जब आप वैल्यू रखोगे सारा से लेमडा मिनिमम बराबर आएगा एच इज सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन माइनस थर्टी फोर इंटू थ्री इंटू टेन एट सी का वैल्यू अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन माइनस नाइनटीन इंटू पोटेंशियल डिफरेंस जिससे हम इसको एक्सेलेट करेंगे दैट इज वी ठीक है तो लेमडा मिनिमम ये रिजल्ट फाइनली बराबर आएगा मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ ट्वेल्व फोर थर्टी वन अपॉन वी ठीक है और ये आएगा किसमें एंगस्ट्रॉम्स ये रिलेशन यूज करके हम मिनिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं एक्सरे फोटोन का जो इमिट होगा लेकिन जितना जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे लैमडा मिनिमम उतना कम होता जाएगा ठीक है तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर कैरेक्टरिस एक्सरे में फिर से हम बताएंगे कि जो इंसिडेंट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन रीम है वो मेटल आइटम के इलेक्ट्रॉन को नॉक कर सकती है तो वैकेंसी पैदा होगी उस वैकेंसी को कोई हायर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है तो ड्यू टू दैट ट्रांजिशन देयर इज इमिशन ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी एक्सरे फोटो ऑन दैट इज वाई दिज आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज तो यहां से एमिट होंगी क्या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एक्सरेज कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक थैंक यू